आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। और भाई आ गए, टाइटल वाइटल पढ़ लिया। टाइटल है चाइल्ड्स प्ले स्ट्रीट फोटोग्राफी। जी इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबका प्रस्पेक्टिव क्या है, सब सोचते क्या है स्ट्रीट फोटोग्राफी को लेकर। सबको लगता है स्ट्रीट फोटोग्राफी इज चाइल्ड्स प्ले, स्ट्रीट फोटोग्राफी से हम कुछ नहीं सीख सकते, स्ट्रीट फोटोग्राफी बेकार की चीज़ है, स्ट्रीट फोटोग्राफी करके होता क्या है। भाई कुछ नहीं होता है। अगर जैसे हम फैशन फोटोग्राफी करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें फैशन करना है। हम फोटो जर्नलिज्म करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस तरह की पिक्चर लेनी है। अगर हम आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हम आर्किटेक्चर फोटोग्राफी कर रहे हैं। और स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होते हैं तो पता तो है भाई कि स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमें स्ट्रीट की पिक्चर लेनी है। गलियों में जाओ, स्ट्रीट्स में जाओ और पिक्चर खींचो, वही तो है स्ट्रीट फोटोग्राफी। यही तो है सबका परसेप्शन। और उसके ऊपर इस तरह की पिक्चरें करते हैं सब लोग कि ये देखो ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है। हाँ भाई इसमें स्ट्रीट दिख तो रही है। ये देखो एक और पिक्चर देखो, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी है ना। हाँ दिख रही है स्ट्रीट, तो ये है स्ट्रीट फोटोग्राफी। मतलब इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या है, मतलब क्या हो जाएगा स्ट्रीट फोटोग्राफी करोगे तो। ये देखो एक और पिक्चर देखो, ये स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर है। तो जब ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी से कुछ नहीं होता, स्ट्रीट फोटोग्राफी से कुछ नहीं मिलता, स्ट्रीट फोटोग्राफी का कोई फ्यूचर नहीं है, स्ट्रीट फोटोग्राफी में कोई कमाई नहीं है, आप इसमें अपना करियर नहीं बना सकते। ये है फालतू की फुद्दू सी चीज़ और इसको करके कोई नहीं है फ़ायदा। और इसीलिए लोग कहते हैं कि यार ये हल्की फुल्की सी चीज़ है, इसको करके फ़ायदा क्या होगा, मिलेगा क्या, एज अ फोटोग्राफर कैसे ग्रो करूँगा। मतलब क्या है स्ट्रीट फोटोग्राफी है कि नहीं, यही लगता है सबको कि कुछ नहीं है इसमें। पर मैं आपको सुनाता हूँ एक बंदे की कहानी जिसने अराउंड 10-11 साल पहले स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट करी। उसने भी यही सोच के स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट करी और वो सोचता था कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी यही होती है, कैमरा लो स्ट्रीट में जाओ, कोई बैठा हुआ भिखारी बैठा है, कोई बंदा जा रहा है, कोई चलता हुआ जा रहा है और उसकी फ़ोटो खींच लो जिसमें स्ट्रीट भी दिख रही हो और वही है स्ट्रीट फोटोग्राफी। लेकिन वो बंदा जो था ना वो करता रहा और आज भी 10-12 साल बाद भी वो स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा है। उस बंदे का नाम छोड़ो, उस बंदे का नाम नहीं बताता मैं, पहले आप उसका कुछ काम देख लो फिर हम बात करते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी वाकई में चाइल्ड्स प्ले है या मतलब कुछ है उसमें। तो देखो ये काम देखो, देख लिया, समझ में आ गया है कौन जिसने ये पिक्चर्स करी हैं, पकड़ के लाओ उसको। ये कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर्स हैं? ये स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर्स हो ही नहीं सकती, ज्यादातर पिक्चर में तो स्ट्रीट दिख भी नहीं रही है। यही आ रहा होगा ना आपके दिमाग में ख्याल, कौन है ये बंदा? यार ये बंदा यही है जो 10-12 साल से अपना दिमाग खपा रहा है इसमें और आप सबके सामने ये इस तरह के वीडियोस बना के लाता है। तो भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है जरा ये तो समझाओ, जरा कुछ रोशनी डालिए इसके ऊपर। डालते हैं जरा सा
जरा जरा कंट्रोल रखें, आपको बताते हैं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है। स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब ये नहीं है कि आपको पिक्चरें स्ट्रीट में करनी है। आप मॉल्स में शूट कर सकते हो, आप घर के अंदर शूट कर सकते हो, आप सड़कों पे शूट कर सकते हो, आप इंडोर शूट कर सकते हो, आउटडोर शूट कर सकते हो, रेस्टोरेंट में शूट कर सकते हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी कैन बी शॉट एनीवेयर। स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो अगला कदम है उसमें ये होना ज़रूरी है कि आपकी पिक्चर के अंदर एक ट्विस्ट होना चाहिए, आपकी पिक्चर के अंदर एक ड्रामा होना चाहिए, आपकी पिक्चर के अंदर एक पंच होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो और अच्छी वाली कर रहे हो, टाइट वाली कर रहे हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग इमोशंस। आपको लोगों के कैंडिड एक्सप्रेशंस कैप्चर करने हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी का कोर यही है। स्ट्रीट फोटोग्राफी का अगला जो कदम है उसमें आपको एनवायरनमेंट दिखाना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप टाइट पिक्चर्स नहीं करोगे, आप एनवायरनमेंट दिखाओगे। आप एनवायरनमेंट दिखाओगे, आपका जो व्यूअर है वो उसके अंदर जाएगा। ये है स्ट्रीट फोटोग्राफी। अगर आप एनवायरनमेंट नहीं दिखाते हो तो आप मेरे हिसाब से स्ट्रीट फोटोग्राफी नहीं कर रहे हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी एक सोच है, स्ट्रीट फोटोग्राफी एक अप्रोच है कि आप अपने एलिमेंट्स की तरफ किस तरह से बढ़ते हो, आप उन चीज़ों को किस तरह से देखते हो। अगर आपकी अप्रोच सही है तभी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर पाओगे। स्ट्रीट फोटोग्राफी है एक फ्रेम में आप अलग अलग एलिमेंट्स को किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हो, किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करते हो और एक कहानी को बुनते हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी वो है। स्ट्रीट फोटोग्राफी मरी हुई पिक्चर है अगर उसमें इमोशंस नहीं है। तो अगर आप अपनी पिक्चर्स में इमोशंस जनरेट कर पाते हो वो है स्ट्रीट फोटोग्राफी। क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वो ये है कि आपका व्यूअर आपकी पिक्चर से जुड़े, तभी आपकी पिक्चर सक्सेसफुल हो पाएगी। स्ट्रीट फोटोग्राफी आपकी आवाज़ है। आप कोई असाइनमेंट करते हो, आप किसी के लिए काम करते हो, वहाँ पर गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप अपने राजा खुद हो। आप अपनी सोच, अपना दिमाग, अपनी व्यू पॉइंट्स को दिखा सकते हो। आप अपने तरीके से अपनी कहानी को बुन सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग विजुअल क्रिएट करते हो, जहां पर आपके अंदर की आवाज़, जहां पर आपकी सोच लोगों तक पहुंचती है। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज ऑल अबाउट स्टीलिंग दोज मोमेंट्स जो आपके सामने से गुजरते जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं, गुजर रहे हैं। हजारों हजारों चीज़ें, हजारों स्टोरी आपके सामने से गुजर रही हैं। आप अपनी आंख के बीच में और उन मोमेंट्स के बीच में लेकर आते हो कैमरा और उससे एक मोमेंट को मिली सेकेंड में फ्रीज करते हो, वो है स्ट्रीट फोटोग्राफी। अगर आप इस कला को माहिर कर लेते हो तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफी के बाप हो। और इसका जो अगला कदम है वो ये है कि आपको स्पॉन्टेनियस होना बहुत बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्टेनियस से मेरा मतलब है कि मतलब सतर्क रहो, एकदम टाइट रहो, मतलब आपके सामने जो भी चीज़ आ रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, आप उनको देखोगे अपनी आँख से और सही मोमेंट पे आपको वो शटर दबाना है, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट पिक्चर खींच पाओगे। अगर आप सोचते रह गए और आप कंफ्यूज खड़े हो कि मैं कैमरा सेट कर लूँ, ये कर लूँ, नहीं एंगल चेंज कर लेता हूँ, तो आपको वो पिक्चर नहीं मिलेगी। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। आपको ये नहीं सोचना यार मैंने उसको फ़ोन नहीं करा, यार उसको फ़ोन करना है, उससे पेमेंट उठानी है। जो चला गया वो चला गया, जो आने वाला है उसका कुछ पता नहीं है। जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो आपको उस मोमेंट में रहना है और उस मोमेंट को जीना है, और जब आप उस मोमेंट को जियोगे, आप उससे कनेक्ट करोगे, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट पिक्चर लेकर आ पाओगे। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको एंटिसिपेट करना आना चाहिए। एंटिसिपेट से मेरा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप चीज़ों को पहले से जान लेते हो कि अगला मोमेंट, अगला क्षण क्या होने वाला है। आप खड़े हो, कोई बंदा जा रहा है, अभी वो वहाँ रुका है, दूसरा वाला इंसान अभी चलेगा, वो ऐसे खड़ा होगा, तो आप क्या कर रहे हो, आप एंटिसिपेट कर रहे हो, आप पहले से जान पा रहे हो कि अगला मोमेंट क्या होने वाला है। और वो जो अगला मोमेंट है वही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, उसको सही टाइम पर आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपकी सतर्कता से आप उस पिक्चर को खींच पाते हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी इज आर्ट ऑफ सीइंग अनयूजुअल। यूजुअल तो सब देखते हैं, सब कुछ हो रहा है ना आपके सामने, लेकिन आप चीज़ों को देखो कि यहाँ पर क्या अनयूजुअल है, क्या ऐसी चीज़ है जिसे देखकर लोगों के अंदर बम फटेंगे, जिसे देखकर लोग
मतलब ये बोलेंगे यार ये करा कैसे, ये हो क्या रहा है, ये मतलब हुआ कैसे, मतलब ये सच है या झूठ है। आप अनयूजुअल को ढूंढते हो और उसे कैप्चर करते हो, उसको कहते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी। तो भैया इतनी सारी बातें बता दी कि स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है। इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है और किस तरह से चलती है और क्या उसके पीछे सोच होती है। बात वहीं पे आ जाती है जहां से शुरू हुई थी कि स्ट्रीट फोटोग्राफी तो है बच्चों का खेल। इतना कुछ समझने के बाद भी मुझे तो लगता है कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, टोटल वेस्ट है। अब हम आपको समझाते हैं कि भाई ये टोटल वेस्ट है या इससे आप क्या सीखते हो एज अ फोटोग्राफर, क्या आप ग्रो करते हो या नहीं करते हो। तो क्या सीखते हैं भाई हम स्ट्रीट फोटोग्राफी से? सबसे पहली चीज जो हम सीखते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी से, वो सीखते हैं हम ऑब्जर्व करना। हम जब भी शूट कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करना सीखते हैं, हम चीज़ों को देखना सीखते हैं। अगर हमें ऑब्जर्व करना नहीं आता तो हम कोई भी तरह की फोटोग्राफी कर लें, हम फोटोग्राफर नहीं हैं। और अगली चीज़ हम सीखते हैं कि पेशेंस। स्ट्रीट फोटोग्राफी में बहुत बहुत पेशेंस चाहिए। आप मीलों मीलों चलते रहते हो, आप पूरा दिन जाते हो, दो दिन जाते हो, चार दिन जाते हो, नहीं मिलती पिक्चर, आप उदास होकर बैठ जाते हो, कैमरा को लात मारते हो, बोलते भाई मुझे नहीं करनी ये स्ट्रीट पे ट्रीट, इतने दिन हो गए एक भी पिक्चर नहीं मिली। तो अगर आप मजबूत हो, टाइट हो, फिट हो और आपने ठान लिया है कि मुझे ये सीखना है, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते 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 आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर डेवलप हो गया है पेशेंस, जो कि एक फोटोग्राफर के अंदर की बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप सीखते हो स्टोरियों को किस तरह से बुना जाता है, जहां पर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जहां पर सिर्फ आपके कंट्रोल में आपकी आँख है, आपकी सोच है और आपका कैमरा है। इन सारी कमियों के बावजूद भी आप एक स्टोरी वीव करना सीखते हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी करते 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 हमें पता चलता है कि हम अपने टूल को समझते हैं। टूल का मतलब आप अपने कैमरा को समझते हो। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप एक छोटा कैमरा यूज़ कर रहे हो, आप एक नॉर्मल कैमरा यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप अपने कैमरा के ऊपर इतने माहिर हो जाते हो कि आपको पता होता है कि मेरे को किस कंडीशन में किस तरह की पिक्चर लेनी है और अपने कैमरा को उसके हिसाब से कैसे सेट करना है। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप सीखते हो लाइट को देखना, आप लाइट को अंडरस्टैंड करते हो। फोटोग्राफी का जो बेस है वो लाइट है भाई, लाइट नहीं है तो फोटोग्राफी नहीं। आप अपनी आँख को ट्रेन करते हो कि लाइट इधर से आ रही है, इधर उजाला है या लाइट पीछे से आ रही है, और फिर उसको आप अपने टूल के द्वारा और अपनी सोच के द्वारा, अपनी कहानी के द्वारा मैनिपुलेट करते हो। तो लाइट को अगर आप देखना सीख जाते हो तो इससे बेहतर चीज़ कोई नहीं हो सकती भाई साहब। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको लगता होगा कि ये नॉर्मल सी पिक्चर है, क्या है इसमें, चिड़िया उड़ रही है, कबूतर बैठा है, क्या है, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, आप उन सारी चीज़ों को अपनी पिक्चर में इनकॉर्पोरेट करते हो, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा भी टाइम हो, उसके हिसाब से उन चीज़ों को यूज़ करते हो और उसी की वजह से आपकी पिक्चरें स्ट्रांग बनती हैं। ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता आपको कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन जब आप देखोगे अपनी पिक्चरें बैठ के तो आपको पता चलेगा कि आपने तो ये सारे रूल्स फॉलो करे हुए हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप ह्यूमन एलिमेंट्स को लेकर आते हो तो आप समझते हो कि लोगों के बिहेवियर को, लोग किस तरह से खड़े होते हैं, किस तरह से हंसते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से मुड़ते हैं, किस तरह से देखते हैं, तो आप ह्यूमन बिहेवियर के मास्टर बन जाते हो। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप जब अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर या अपनी किसी स्टोरी के ऊपर या जहाँ पर भी आप वॉक कर रहे हो, आप एकदम फोकस्ड हो जाते हो, आप खो जाते हो एक दुनिया में। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करो, आप फोकस्ड होना सीख जाओगे, और फोकस्ड होना सीख गए तो भाई बल्ले बल्ले। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में मतलब जो कोर रूल है कि आप कम से कम अपना इक्विपमेंट यूज़ करो, छोटा सा कैमरा यूज़ करो, छोटा सा लेंस यूज़ करो, लेकिन आप इस कम टूल्स को यूज़ करके भी एक इतनी स्ट्रांग पिक्चर बनाते हो, वही सारी कलाकारी है। और तो और भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप अपने फेलियर से लड़ने की क्षमता को अपने अंदर डेवलप कर पाते हो, क्योंकि हर बार आप सक्सेसफुल नहीं होगे। भाई मैं 10 साल से 12 साल से स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैं भी ये गारंटी नहीं कर सकता कि मुझे हर बार पिक्चर मिलेगी। तो फेलियर्स होते हैं, हर काम में फेलियर्स होते हैं, हर चीज़ में फेलियर होते हैं, और स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी अनेकों बार बहुत बहुत फेलियर्स मिलेंगे आपको। लेकिन आप अपने फेलियर से लड़ना सीखते हैं, आप अंदर से मजबूत बनते हैं, तो आप ये कला सीख जाते हैं कि भाई अपने फेलियर्स को कैसे डील करना है। और जब वो सीख गए तो भैया कोई नहीं रोक सकता आपको, आप आगे बढ़ोगे।
और मेरे हिसाब से स्ट्रीट फोटोग्राफी एक मेडिटेशन है, एक ध्यान लगाने का तरीका है। आप एकाग्र हो जाते हो, आप खो जाते हो। मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा होता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चलता लेफ्ट में क्या हो रहा है, राइट में क्या हो रहा है। मेरा फोकस सिर्फ कहानियों को ढूंढने में होता है, कहानियों को देखने में होता है, ऑब्जर्व करने में होता है और उनको कैप्चर करने में होता है। आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करो और आप मेडिटेशन कर रहे हो भाई साहब, और मेडिटेशन करके आप फोकस्ड रहोगे, आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे। तो भाई हम गलत कहाँ जा रहे हैं, हो क्या रहा है? मतलब गलती क्या हो रही है? गलती ये हो रही है कि हमारा सबसे पहले परसेप्शन ही गलत है, हम स्ट्रीट फोटोग्राफी को समझते ही नहीं है और ऐसे ही उसको गालियां देते रहते हैं। तो परसेप्शन को ठीक करना ज़रूरी है और उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी होती क्या है। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि हमने होड़ लगा रखी है कि भाई इसके लिए मुझे ये कैमरा चाहिए, वो कैमरा चाहिए और ये पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे और वो करेंगे, तो हम उन चीज़ों के नीचे ही दबके रह जाते हैं। और तीसरी चीज़ है कि हमने अपने अंदर के बच्चे को मार दिया है। स्ट्रीट फोटोग्राफी, चाइल्ड्स प्ले जो मैं कह रहा हूँ, वो बच्चा जो हमारे अंदर है हम उसको मार चुके हैं। वो बच्चा, जो बच्चा सीखना चाहता है, जो बच्चा नादान है, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जो बच्चा इन बेकार की चीज़ों को देखता भी नहीं है, जो अपनी ही दुनिया में रहता है, उसका दम घुट रहा है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तभी हमारी पिक्चरें सही नहीं आ रही हैं। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी चाइल्ड्स प्ले है अगर आपके अंदर वो बच्चा जिंदा है। अगर वो बच्चा अधमरा हो चुका है या मर ही चुका है तो आप स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं बन सकते। और फिर आप बैठ के सिर्फ यही बोलोगे कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी तो बच्चों का खेल है, इसमें तो कुछ होता नहीं है। मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई आपको कि स्ट्रीट फोटोग्राफी से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या कर सकते हो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपके अंदर वो बच्चा अभी भी जिंदा है। और अगर वो अभी सांसें ले रहा है तो आप उसको और जिंदा कर सकते हो। और जिस दिन वो बच्चा जग गया, नो मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफी यू डू, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो तो आपके वो काम आएगी ही आएगी। आपको हर फील्ड में, चाहे आप आर्किटेक्चर कर रहे हो, फैशन कर रहे हो, कोई भी टाइप की फोटोग्राफी कर रहे हो, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो चीज़ें सीखते हो, जो चीज़ों को समझते हो, जिस तरह से अपने कैमरा को हैंडल करते हो, आप उनको अपने काम में ढालोगे और आपका काम मजबूत बनेगा, पैसे भी कमाओगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर वो बच्चा मर गया तो आप फिर यही बोलते रहोगे कि स्ट्रीट फोटोग्राफी तो बच्चों का खेल है भाई साहब, इसमें कुछ नहीं होता। वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ उस बच्चे के साथ, जो बच्चा मेरे अंदर जिंदा है, जो बच्चा अभी भी चीज़ों को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, देखना चाहता है, टच करना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। My dreams, I wanted to always capture them. I see them everywhere. They're dark, they are faded, they are distorted. They are scratchy, they are very blurred, they are faded. I see them, I try to capture them, I find these memories everywhere I go. I shoot, I try and find perfection in imperfection. I accept what my camera gives me, and this is what I produce. This is just the beginning of bringing my camera and my images to produce images which I often dream in my dreams. And my dreams is nothing but my past. The life I've lived, I've seen, I've grown, and I've experienced my dreams. My dreams. Thank you.
आई होप कि आप अंदर के बच्चे को जगाओगे, उसको मरने नहीं दोगे, उसकी जो सांसें बची हैं उसको बाकी रखोगे। तो मिलते हैं फ्रॉम अगले वीडियो में, टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। आते रहना, हाँ जाना नहीं, बंद करते हैं ये दुकान और हमको जाना है कहाँ, काम। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे गाजियाबाद रहो।